हेलो फ्रेंड्स, आज मैं राजस्थान की प्रसिद्ध मसाला बाटी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बाटी बनाने के लिए मैंने लिया है 300 ग्राम गेहूं का आटा, 2 टेबलस्पून सूजी, 1 टेबलस्पून नमक, आधा टेबलस्पून अजवाइन, 3 टेबलस्पून मोइन के लिए घी या तेल, आप कुछ भी ले सकते हैं। और बाटी का मसाला तैयार करने के लिए 4 बॉईल आलू, 2 बारीक कटे हुए प्याज, 1 बड़ा चम्मच मटर के दाने, 1 टेबलस्पून किशमिश, आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर, आधा टेबलस्पून नमक, आधा टेबलस्पून धनिया पाउडर। और तड़के के लिए मैंने लिया है आधा टेबलस्पून सौंफ और आधा टेबलस्पून राई के दाने। और डीप फ्राई करने के लिए लिया है तेल। चलिए बनाते हैं। एक बाउल में मैंने आटा ले लिया है और मैं सूजी ऐड कर रही हूँ, अजवाइन, नमक और मोइन के लिए तेल। सबको मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक डो तैयार कर लेते हैं। बाटी के लिए आटा थोड़ा सख्त ही तैयार करना है हमें, तो पानी को हम एक साथ नहीं डालेंगे। देखिए, मैंने आटा लगा लिया है। ये चपाती से थोड़ा सा सख्त डो तैयार किया है मैंने, आप देख सकते हैं। ज्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है और ढक के हम इसे 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून जितना तेल गरम कर लिया है। अब इसके अंदर मैं ये राई और सौंफ है ये डाल रही हूँ। इसके साथ ही मैं ये प्याज डाल रही हूँ। प्याज का हल्का कलर आने तक भून लेते हैं। इस मसाले में सौंफ बहुत ही अच्छी लगती है, इसलिए आप सौंफ जरूर डालें। प्याज हल्के भून गए हैं, अब मसाला ऐड कर देते हैं। हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, इनको भी पका लेते हैं। अगर आप हरी मिर्ची डाल रहे हैं तो लाल मिर्ची की मात्रा आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अब नमक मिला लेते हैं। इसी के साथ ही ये किशमिश बिल्कुल ऑप्शनल है, आप पसंद करते हैं तो डालिए या आप स्किप भी कर सकते हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा पानी डालूंगी मैं, 1 टेबलस्पून जितना, ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। अब मटर ऐड कर लेते हैं और मटर को भी हल्का सा पका लेते हैं मसाले के साथ। मटर भी सॉफ्ट हो गए हैं और अब मैं इसके अंदर ये मैश किए हुए आलू है ये डाल रही हूँ। आलू को भी मिक्स कर लेते हैं मसाले के साथ। मसाले के साथ आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से बॉईल है। अब मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इस मसाले को ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। 20 मिनट हो गए हैं और मैं थोड़ा सा ऑयल लेके इसको वापस गूंथ लेंगे थोड़ा सा। बाटी का डो भी तैयार हो गया है और मसाला भी हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो बाटियां तैयार कर लेते हैं। आटे को मैंने तोड़ लिया है और इस तरह से थोड़ा सा फैला लेंगे इसको और छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे बिल्कुल इसी साइज की। जिस तरह आटे को छोटे छोटे भागों में बांटा था उसी तरह मसाले को भी हम छोटे छोटे भागों में बांट लेंगे ताकि बनने में आसानी रहेगी। इसी तरह से हम बोल बना लेंगे मसाले के भी। अब हम आटे की एक बोल लेंगे और इसको हाथ से इस तरह फैला लेंगे। बीच में थोड़ा सा गड्ढा करके बिल्कुल इस तरह से तैयार कर लेंगे हम और फिर एक मसाले की बोल लेंगे और ये बीच में रखेंगे और इसकी किनारी है इसको हम ऊपर की तरफ खींचेंगे। मसाले को अंदर अंगूठे से दबाते रहेंगे और आटे को इस तरह ऊपर उठाते रहेंगे।
और वापस इसका मुंह है वो बंद कर देंगे इस तरह से। मैं बढ़िया पैक करना है ताकि डीप फ्राई करते टाइम ये खुले नहीं, और वापस गोल आकार दे देंगे इसको हाथ से इस तरह घुमाते हुए। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह हम छोटी छोटी बाटियां तैयार कर लेते हैं सभी। देखिए मैंने सभी बाटियों को भर के तैयार कर लिया है, अब इन्हें डीप फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था और ये गर्म हो गया है। इसको चेक करने के लिए आप इस तरह लकड़ी का ये चम्मच है ये बीच में लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके बबल्स उठ रहे हैं चारों तरफ से। तो ये बाटी के लिए बिल्कुल तैयार है तेल, तो मैं एक एक करके इसमें बाटियां डाल देती हूँ। बाटी को हम जिस तरह से पैक किया था उसी साइड से हमें पहले अंदर छोड़ना है। जितनी आपकी कढ़ाई में बाटियां आए आप उतनी बाटी डालें एक बार में और मीडियम फ्लेम पे इन्हें पकने दें। थोड़ी देर के बाद हम इन्हें इस तरह पलट लेंगे और पलटते हुए चारों तरफ से क्रिस्पी होने तक इनके पका लेते हैं अच्छे से। देखिए इनपे हल्का ब्राउन कलर आ गया है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बाटी बनी है, बिल्कुल हलवाई जैसी है बाटी बनी है ये। थोड़ा सा और पकाएंगे हम इन्हें ताकि अच्छा कलर आ जाए ऊपर। ये देखिए ये बिल्कुल पक के तैयार हो गई है, इन पे एक अच्छा कलर भी आ गया है। और इन्हें पकने में 10 से 15 मिनट का टाइम लगा था बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। हम इस तरह इसका ऑयल निकाल लेते हैं और इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह मैं बाकी सभी बाटियां हैं उनको डीप फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए सारी बाटियां बनके तैयार हो गई है, कितनी सुंदर बाटियां बनी है ये, बिल्कुल हलवाई जैसी। इसी साइज की हलवाई बनाते हैं छोटी छोटी, ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। आप इन्हें एक बार जरूर ट्राई कीजिए, आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये बहुत ही आसानी से टूट रही है, ये देखिए।